हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एचपी का 18.5 इंच का एलईडी मॉनिटर है, जिसका मॉडल नंबर है V193। अब इसमें जैसा कि आप मैंने थंबनेल में बता ही दिया है कि ये देखेंगे बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, तो इसका सलूशन क्या है ये पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है ये भी आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, और हमारे चैनल पर आप अभी नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी एलईडी एलसीडी मॉनिटर का कुछ भी पार्ट चाहिए, लॉजिक कार्ड, सप्लाई, पैनल, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये पता ही होगा, ये लाइन आ रही है, और अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको पता ही होगा कि ये कॉफ की प्रॉब्लम है, और अगर आप एंड यूज़र हैं, आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लें कि इसमें अंदर कॉफ लगा हुआ होता है, वो ख़राब हो जाता है। टैब आईसी लगी होती है कॉफ के ऊपर, तो जिससे लाइनिंग आती है, या ग्लास की तरफ से लूज़ कनेक्शन या ड्राई हो जाता है, तो ये लाइनिंग आती है, तो यही रीज़न होता है, और स्केलर बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो सबसे जो पहला तरीका है इसको ठीक करने का, आपको इसको बॉन्डिंग करवानी पड़ेगी। बॉन्डिंग मशीन से होती है बॉन्डिंग, तो वो तरीका है आपको इसको रिपेयर करने का, तो कॉफ रिप्लेस हो जाती है बॉन्डिंग मशीन से और ये ठीक हो जाता है। और अब दूसरा तरीका क्या है कि आप या तो पैनल बदलें और या तो एक ग्लास चेंज कर दें। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास ग्लास तो है या पैनल है लेकिन सेम नहीं है, तो आप लगा नहीं पाते हैं उसको। तो इसमें मैं एक और आपको बताऊंगा, जुगाड़ ही समझ लीजिए कि आपके पास कुछ भी पुराना मॉनिटर है कोई सा भी, तो उसको कैसे इसमें लगा देंगे, उसको एलईडी आप समझ ले एलईडी ही बन जाएगा वो, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें। और अगर आपको आपके पास पैनल नहीं है तो आपको बॉन्डिंग करवानी पड़ेगी, तो जिससे लाइन आपकी ठीक हो सकती है। तो इसको चलिए अभी खोल के बताता हूँ। और जैसे ये एलईडी मॉनिटर है और हमारे पास है, ये देखिए एलसीडी है एलजी का। अब उसमें कौन सा लगा है हमें पता नहीं है, अब खोल के देखेंगे कि उसमें लगा हुआ कौन सा मॉनिटर है। ये देखिए एलसीडी मॉनिटर है, ये लैम के कनेक्टर हैं, और ये जो मॉनिटर है एलईडी है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा इसको। तो ये वाला ग्लास कैसे इस पर लगेगा, इसको भी लगाने के दो तरीके हैं, तो अभी चलिए आपको दोनों तरीका बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। तो सबसे पहले बैक साइड के सारे स्क्रू निकाल लेंगे, और उसके बाद ये बैक कवर निकाल के फिर हमारा पैनल दिख जाएगा, और हमें काम पैनल पर ही करना है क्योंकि लाइन आ रही है वो पैनल का ही फॉल्ट है, और किसी चीज़ का फॉल्ट होता नहीं है। तो ये कंफर्म कर लीजिए आप, अगर टेक्नीशियन है तो आपको पता होगा कि पैनल का ही फॉल्ट होता है लाइन है, तो उसको भी हम दूर करेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने सारे स्क्रू खोल लिए, अब यहाँ बैजल से थोड़ा सा अनलॉक करेंगे। तो मैं हर बार बताता हूँ कि यहाँ स्क्रू ड्राइवर वगैरह ना लगाएं, तो ख़राब है, अगर सही भी पैनल होगा तो आपको टूट जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेजल खोलने के बाद पूरा बैक कवर निकाल लेंगे, निकल जाएगा इजीली, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये एलईडी मॉनिटर है, ये देखिए लैम एलईडी का कनेक्टर लगा हुआ है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे, ये कंट्रोल पैनल आपका और ये LVDS केबल। तो ये देखिए निकल गया, और इसमें जो पैनल लगा है वो इनोलक्स का लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये इनोलक्स का पैनल लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास पैनल है वो LG का है। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें पहले कभी ये चेंज किया गया है, इसमें ग्लास किसी और का ही लगा होगा, ये देखिए ये पहले चेंज हुआ है, ये दोबारा से प्रॉब्लम आई है, ये काफ़ी पहले चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये LG का पैनल लगा हुआ है, और लेकिन ये जो बैक लाइट है वो इनोलक्स की है, तो ये पहले से ही लगाया गया है, तो इस पर हम लगाएंगे वो LG का पैनल, तो अभी वो लग जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ कैसे लगाना है उसको। वे पैनल हम निकाल लेंगे बेजल से,
वे देखिए, ये एलईडी वाला बैक लाइट है। पैनल तो इसमें एक बार चेंज हो चुका है, तो अब दोबारा हमें चेंज करने में ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि पहले से एक बार चेंज हो चुका है, किसी ने चेंज किया होगा। और अब यहाँ पर देखिए, अब एक तो दूसरा तरीका ये है, ये ही एलसीडी पैनल इसमें एलईडी की जगह पे लग जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर कार्ड लगाना पड़ेगा बैक लाइट ऑन करने के लिए। तो एलसीडी इन्वर्टर कार्ड लगा के हम ये पैनल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जो पैनल होते हैं एलईडी वाले वो बहुत पतले होते हैं, तो उसमें फिट होने का प्रॉब्लम आता है, लेकिन किसी किसी में फिट हो जाता है। अब जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको इसमें लगा सकता हूँ, ये एलसीडी पैनल, एक इन्वर्टर कार्ड लगाऊंगा और ये फिट कर लूँगा। अब उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको लॉक दिख रहे हैं ये सारे, ये सब कट करने पड़ेंगे, बस साइड के लॉक बिल्कुल रहने दें, इधर साइड के, और फिर ये इजीली लग जाएगा। तो ये ऐसा होता है कि बिना हम ग्लास चेंज किए इन्वर्टर कार्ड लगा के एलसीडी पैनल ही लगा देंगे, लेकिन अब लगा तो देंगे लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी हल्की सी, जितना क्लियरिटी बैकलाइट की एलईडी की रहेगी उतना एलसीडी की नहीं रहेगी। तो हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि पहले ज़्यादा क्लियर था, तो इसलिए ग्लास चेंज कर देंगे। तो ग्लास एलसीडी एलईडी का सेम होता है, बैकलाइट का डिफरेंट होता है। तो एक तरीका ये हो गया जो इन्वर्टर कार्ड का मैंने बताया आपको। अब दूसरा ये है कि मैं एक इसका ग्लास निकाल लूँगा एलसीडी का, और अभी दिखाऊंगा आपको कि एलईडी पे लगा के उसको चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको जैसे पता भी होगा, ये ग्लास निकालने के लिए ये ऐसे लॉक लगे हैं, यहाँ इधर लगे हैं नीचे की तरफ और साइड में, तो उनको हम किसी ओपनर से ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करेंगे, सारा एक साथ एक ही नहीं कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सारा करेंगे, नहीं तो एक ही कर देंगे तो कई बार क्या होता है ग्लास टूट जाता है। तो इधर देखिए, इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा हमें एकदम से एक तरफ करके बाहर की तरफ नहीं निकालना है, तो इधर साइड से जहाँ जहाँ लॉक है सारा आगे प्रेस करना है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ये वाला बेजल निकल जाएगा, ये देखिए ये निकल गया, और ये ग्लास अब हम निकाल लेंगे, इस पर डस्ट है इसको क्लीन कर लेंगे, फिर उसमें लगाएंगे दूसरे में। अब इसको ये बोर्ड थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ, तो ये देखिए चिपका हुआ है, तो आराम आराम से निकालिए, नहीं तो इसमें भी लाइन आ सकती है। तो ये देखिए इस तरह से, और अब ये बैक लाइट उठा लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए ग्लास निकल गया है, अब इसको हम हटा लेंगे और जो फॉल्टी है जिसमें लाइन आ रही है उसको निकालेंगे। तो इसको भी सेम उसी की तरह निकाल लेंगे साइड साइड से लॉक करके, और फिर इस पर दूसरा ग्लास लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास उतारा और दूसरा ग्लास वर्किंग वाला लगा दिया, फोल्डर जो है स्क्रीन का, ऐसा नहीं है ना, तो इतना आसान है, तो इसमें दो तीन, नहीं तो पैनल टूट जाएगा आपका। अब यहाँ दो तीन चीज़ें बताऊँगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें करनी ही हैं। एक तो पहले थोड़ा सा जो ग्लास है वो बैठा के देख लीजिए, पूरा प्रॉपर बैठता है कि नहीं, सेम साइज़ का रहता है लेकिन फिर भी छोटा बड़ा रहता है, 18.5 इंच का है, 10.5 इंच का, फिर भी छोटा भी रहेगा और बड़ा भी हो सकता है, छोटा रहेगा तो लग जाएगा क्योंकि बहुत माइनर छोटा है और या बड़ा रहता है, लेकिन ज़रा सा भी बड़ा होगा तो नहीं लगेगा, और अगर लगा के आप ये बेजल लगा देंगे तो पैनल टूट जाएगा। अब उसको लगाने के लिए क्या करना है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए इधर मैंने नहीं कट कट किया है, और इधर का आप देखेंगे तो ये यहाँ जो ये इसका बेजल है प्लास्टिक का उठा हुआ रहता है, उसको मैंने प्लेन कर दिया है इसके मेटल के बराबर, और इधर जिधर पीसीबी रहेगी, ये देखिए इधर इधर का मैंने पूरा बेजल निकाल दिया है, टेप लगाया हुआ है मैंने मेटल के ऊपर ही, जो ये मेटल की बॉडी है बैक साइड की उसके ऊपर पूरा टेप लगाया है, और प्लास्टिक का बेजल यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल दिया है क्योंकि फिट नहीं हो रहा था। और अगर आप वैसे ही लगाएंगे और ज़बरदस्ती फिट करेंगे तो लाइन आ जाएगी, आपका कफ ख़राब हो जाएगा। ये तो हो गया इसका ए फ्रेम, इसको सही करने का।
और दूसरा एक चीज़ और आपको करना है, यहाँ पर आप देखेंगे सारे लॉक हैं, इनको किसी चीज़ से बराबर कर लीजिए, ज़रा सा प्रेस करेंगे, हल्के रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके ये बराबर प्लेन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है, इधर भी और इस साइड भी, ये देखेंगे आप मैंने प्लेन करा हुआ है, अंदर की तरफ निकला हुआ होता है तो निकला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन कर दीजिए आप, नहीं तो ये भी कॉफ के ऊपर आता है किसी किसी में, तो कॉफ के ऊपर आएगा तो टैब को दबा देगा और टूट जाएगा और लाइनिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें ये सब मुझे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये पहले एक बार चेंज हो चुका है कभी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम जो हमारा वर्किंग ग्लास है वो लगाएंगे। तो अगर इतनी देर आप खोल के रखते हैं थोड़ा बहुत डस्ट भी आ जाता है तो उसको क्लीन कर लें, किसी कॉटन से, किसी भी चीज़ से जिससे आप क्लीन करते हो तो क्लीन कर लें, उसके बाद फिर ग्लास लगाएं। तो इस तरह से रख लें, और ये देखिए वर्किंग ग्लास है, इसको बिल्कुल इसके ऊपर बैठा लें इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे बैठ जाएगा, और इधर बराबर कर लें, ये देखिए इस तरह से। अब ये बेजल लें, इसका मैंने जो लॉक थे उनको प्रेस कर रखा है, तो ये देखिए ये टैब के ऊपर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको प्रेस कर देना है अंदर की तरफ। अब ये अगर टैब पर भी आएगा तो प्लेन ही रहेगा, तो हमारा कफ ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से लग जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको लगता है लूज़ है तो आप ग्लास पर भी थोड़ा थोड़ा टेप लगा सकते हैं। अभी ये देखिए ये लॉक ये लूज़ है, तो यहाँ पर हम टेप लगा देंगे साइड साइड से, जिससे बेजल फिक्स रहे, ग्लास हिले ना। तो ऐसा करना है, और इसको अभी टेप लगा के प्रॉपर लगा के फिर उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा कनेक्शन कर लिया है मैंने, ये पूरा LVDS केबल और LED की केबल सारा लगा दिया, पावर केबल भी लगा दिया है। तो अब इसको ऑन करके एक बार आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ। तो देखिए प्रॉपर फिट हो गया है, तो अब यहाँ पर देखिए ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा डिस्प्ले आ गया है, ये देखिए, ये देखिए अब लाइन नहीं आ रही है क्योंकि हमारा ये ग्लास सही है। तो इस तरह से आप LED के ऊपर LCD का ग्लास लगा सकते हैं, और वो भी डिफरेंट मेक का, ये LG का मैंने पैनल लगा ग्लास लगाया हुआ है, और इसकी जो बैक लाइट है वो इनोलक्स की है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, थोड़ा क्रिटिकल है ईज़िली करें, नहीं तो पैनल भी टूट सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि साइड साइड में सारे लॉक्स वगैरह प्रॉपर थ्रेड हों, जो निकले ना हों। तो अब फिर इसी तरह की कोई अच्छी वीडियो लेके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।